नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल लेट्स रीड टुगेदर में। और यूपी सीरीज यानी उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित जो सीरीज चली आ रही थी उसमें दूसरा क्रम है आपके लिए। इसमें भी काफी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम वन डे एग्जाम के हिसाब से, और ये सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो भी प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखें जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि सारे बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए चालू करते हैं। मिर्जा गालिब ने कई सारी शायरियां लिखी हैं, तो फेमस है मिर्जा गालिब और उस्ताद फैयाज खान, जो संगीतज्ञ थे हमारे उस्ताद फैयाज खान। इन दोनों का जन्म स्थान एक ही है, आगरा। दोनों कहां पर पैदा हुए? आगरा। आगरा की स्थापना 1540 में सिकंदर सूरी द्वारा हुई थी। कुंभ मेला कहाँ लगता है या कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? अगर ऑप्शन में आता है इलाहाबाद तो आपका गलत हो जाएगा। अब इलाहाबाद नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? प्रयागराज। इसका नाम औरंगजेब द्वारा इलाहाबाद रखा गया, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ ने 2018 में इसका नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया। प्राचीन नाम इसका प्रयागराज हो गया। काफी हंसी मजाक भी चल रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर, लेकिन सही किया इन्होंने, प्रयागराज नाम रखा इलाहाबाद का। नैमी शरण्य स्थित है सीतापुर में, नैमी शरण्य स्थित है सीतापुर में। जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ, यानी जैन और बौद्ध ये बहुत फले फूले कहाँ पर? केवल यूपी में और इसके आसपास के क्षेत्र में। तो बहुत सारे इंपोर्टेंट हो जाते हैं जैन और बौद्ध धर्म दोनों, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी। धन के साक्ष यानी धान, जो चावल है, धान की खेती है, उसके साक्ष कहाँ मिले हैं? यानी पहली बार भारत में जो धान के साक्ष थे वो कहाँ पर मिले? वो मिले हमें कौलहड़ी हवा में। बौद्ध की पहली मूर्ति कहाँ बनाई गई या किस शैली में बनी है? बौद्ध की पहली मूर्ति तो मथुरा शैली में बनी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिस शैली में भगवान बौद्ध की मूर्ति बनी है वो है गांधार शैली। गांधार आज के अफगानिस्तान में आता है। मथुरा शैली में सबसे ज्यादा भगवान बौद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। सबसे पहली मूर्ति बनी थी बौद्ध की किस शैली में? मथुरा शैली में। साटक वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, एक वस्त्र का प्रकार होता है, कपड़ों का प्रकार होता है साटक। इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? वाराणसी। वाराणसी में साटक वस्त्र बहुत फेमस है। बांसखेड़ा अभिलेख, कुछ राजाओं, प्राचीन राजाओं के द्वारा, जैसे हर्षवर्धन हुए, समुद्रगुप्त हुए, इनके द्वारा कुछ अभिलेख लिखे गए हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध है हर्षवर्धन। कन्नौज का राजा हर्षवर्धन था, उससे संबंधित अभिलेख है हमारा बांसखेड़ा अभिलेख। अयोध्या अभिलेख प्रचलित है धनदेव के लिए, जो अयोध्या में अभिलेख पाया गया है वो राजा धनदेव से संबंधित है। रोहिल खंड का स्थापना किसने की थी? जो रोहिला खंड एरिया है उसकी स्थापना किसने की थी? मुस्लिम शासक थे अली मोहम्मद खान के द्वारा हुई थी। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? भगवान राम की जो जन्मस्थली है अयोध्या, उसका प्राचीन नाम क्या था? काफी इंपोर्टेंट है तो आप याद रखें, अयाजस्य। अयाजस्य अयोध्या का प्राचीन नाम था। और पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है ये। किस घाटी में मातृ देवी की प्रतिमा मिली, यानी हमारे जो हड़प्पा कालीन संस्कृति थी उसमें क्या है, कुछ मूर्तियां मिली हैं, तो ऐसे ही एक प्रकार की मूर्ति है मातृ देवी की मूर्ति, वो किस घाटी में मिली है? वो चकिया घाटी में मिली है। इस मूर्ति मिलने का साक्ष्य यह है, यह इससे कंक्लूजन निकलता है कि उस समय क्या है, महिलाओं का सम्मान होता था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है, तो चकिया घाटी में। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, हमारे प्राचीन 16 जनपदों में एक सबसे महत्वपूर्ण जनपद थी सूरसेन, उसकी राजधानी मथुरा थी। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर बना है वो गुप्तकालीन है, गुप्त राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था। काफी इंपोर्टेंट है ये भी, सारा इंपोर्टेंट है वैसे तो। कुशीनगर राजधानी थी, मल्लों की राजधानी। भगवान बौद्ध ने अपनी अंतिम सांसें जब ली थी तो वो कुशीनगर में ली थी। कुशीनगर में उस समय शासन था मल्लों का। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भगवान बौद्ध का अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया, तो मल्लों के द्वारा।
जो भगवान बौद्ध ने जब उन स्वर्ग की प्राप्ति हुई ने जब उन्होंने अपनी देह त्यागी तो उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो पूछ लिया जाता है कि महापरिनिर्वाण कौन सा स्थल है, तो वही हो गया कुशीनगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल महाजनपद की राजधानी, कौशल जो राजधानी थी, एक महाजनपद था, उसकी राजधानी थी हमारी श्रावस्ती, ये भी भगवान बौद्ध से संबंधित है। फिर एक और अभिलेख आता है शिलालेख, अशोक का 14वां जो शिलालेख था, टोटल 14 शिलालेख बनाए थे उसने, तो हमें कलसी में प्राप्त हुआ। 14वां शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है हमें, कालसी में। काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है, हिंदू धर्म के अनुसार हमारे पास चार ग्रंथ हैं प्राचीन, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद, जो कि जिनमें से अर्थवेद है उसमें काशी का वर्णन किया गया है। काशी, काशी बोले तो आज का वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, वाराणसी को प्राचीन समय में काशी नाम से जानते थे, और बनारस। हिंडन नदी तट पर आलमगिरी की खोज किसके द्वारा की गई, हिंडन जो नदी है उसके तट पर एक शहर है, एक गांव है आलमगिरी, इसकी खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई, तो वो थे हमारे शर्मा जी, वाई डी शर्मा जी के द्वारा हिंडन नदी पर आलमगिरी की खोज की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान, यानी जो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो कौन कौन से हैं, एक तो मानपुरा है, मांडी है, दूसरा तीसरा हमारा है भटपुरा, ये तीनों स्थल कहाँ से संबंधित हैं, ये है हमारे हड़प्पा कालीन सभ्यता से। कुरु राज्य क्षेत्र, महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र की राजधानी, यानी जो कि हरियाणा के आसपास का क्षेत्र था उस समय, कुरु राज्य की राजधानी असंधिवत कहाँ की राजधानी थी, कुरु राज्य की। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, 16 जनपदों में से जो जनपद थी सूरसेन, इसकी चर्चा भी हम कर चुके, मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र था उसको सूरसेन के नाम से जानते थे, सूरसेन। किस शहर में 23वें तीर्थकर, जो जैन धर्म है उसमें टोटल कितने हैं, 24 तीर्थकर हैं, जो भगवान महावीर थे वो 24वें तीर्थकर थे, इससे पहले 23वें तीर्थकर थे हमारे, उनका जन्म कहाँ मिला था, वाराणसी में, ऋषभ देव थे वो। कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था, कुषाण वंशा हिस्ट्री में जाएंगे अभी, उसकी सीरीज भी चलाएंगे हिस्ट्री की, तो कुषाण काल में मथुरा से किस धर्म से संबंधित था, या किस धर्म का प्रमुख केंद्र था, या सबसे कुषाण काल में सबसे ज्यादा जो धर्म फला फूला वो कौन सा था, वो था हमाररा जैन धर्म, जैन, अगर बहुत आए बहुत न लगाना, जैन धर्म। बौद्ध धर्म का पालन किस राज्य में हुआ, यूपी, यानी माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो आगे के कार्य करता है, इसी प्रकार से उसको लालन पालन किया जाता है कि इसका लालन किस घर में हुआ, किस मोहल्ले में हुआ, तो इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म था जिसकी स्थापना भगवान बौद्ध के द्वारा की गई थी, तो इसका जो पालन वाला स्टेट है हमारा राज्य वो कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश। अब कुछ स्वतंत्रता से संबंधित कुछ क्वेश्चन है हमारे, पूछा गया है कि 1936 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वो थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के द्वारा 1936 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेहरू जी ने। अब तक कितने यूपी में अधिवेशन हो चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो पूछा जाता है काफी बार समय समय पर, वो किस किस शहर में हुए देखते हैं। 1946 10 वर्ष बाद, जो 36 के बाद 46 यानी आजादी से एक वर्ष पहले मेरठ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष हमारे थे जेपी कृपलानी साहब, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजादी से पहले इसका अधिवेशन हुआ होगा 1946 में मेरठ में, तो उसकी अध्यक्षता भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जेपी कृपलानी। अब देख लो मैं जो बात कर रहा था वो यहाँ पूछ ही लिया गया, 1985 से 1947 तक, यानी भारत जब से आजाद हुआ और तब से लेकर, मतलब कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और हमारा भारत 1947 में आजाद हो जाता है, तब से लेकर तब तक उत्तर प्रदेश में टोटल कांग्रेस के कितने अधिवेशन हो चुके हैं, तो 9 बार अधिवेशन हुए हैं अलग अलग शहर में, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ। अब पूछा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ था,
तो आगरा में था, जहां पर ताजमहल था वहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी रहा उस शहर में। अब देख लो पूछा गया है, फिर 1937 में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार किसने बनाई थी? 1937 में जब चुनाव हुए थे संयुक्त प्रांत, यूपी को पहले हिंदी में संयुक्त प्रांत और इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविजंस के नाम से जानते थे। 1950 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यूपी का नाम, मतलब जो यूनाइटेड प्रोविजंस था उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया, यानी संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? 1950 में, किसके द्वारा? उन नेहरू जी के द्वारा। 1937 में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार किसने बनाई थी? जी वी पंत, गोविंद वल्लभ भाई पंत के द्वारा बनाई गई। चंद्रशेखर आजाद, बहुत ही महान शख्सियत। चंद्रशेखर आजाद कहां शहीद हुए? अगर ऑप्शन में आता है इलाहाबाद तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? प्रयागराज। प्रयाग, वर्तमान प्रयागराज में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, वहां पर ये चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी अंग्रेजों से बचने के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में राष्ट्रीय सरकार किसके किस वर्ष स्थापना हुई इसकी, यानी जो बलिया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई क्विट मूवमेंट के दौरान वो किस वर्ष हुई? तो जिस प्रकार से हमारा क्विट मूवमेंट 1942 में प्रारंभ हुआ तो स्वाभाविक है सरकार भी 1942 में बनी होगी, तो 1942। वाराणसी में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? देखो फिर पूछ लिया गया 1905 के अंदर। बंगाल विभाजन हुआ तब वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ऐसा भी आप जोड़कर याद रख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1887 में, यानी कांग्रेस अधिवेशन के 2 वर्ष बाद, यानी कांग्रेस की जो स्थापना होती है उसके 2 वर्ष बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई होती है 1887 में। काशी विद्यापीठ बहुत इंपोर्टेंट है, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1921 में। तो इस प्रकार से हमने कुछ जो महत्वपूर्ण क्विज थी उत्तर प्रदेश से संबंधित वो हमने जानी आज। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।